रुख तुम अंदर ही हो ना। मारुख बाहर सब लोग आए हुए हैं, प्लीज आकर बाहर उनको संभालो। कब तक खुद को अंदर बंद रखोगी? मारुख मैं अम्मी को ले जा रहा हूं हमेशा के लिए, प्लीज एक बार बाहर आकर उनका चेहरा तो देख लो। मैं नहीं देख सकती अम्मी को जाते हुए, मैं बहुत प्यार करती थी उनसे, वो मेरे बारे में जो भी सोचे मैं इस तरह नहीं उन्हें देख सकती। बाहर सबको लगता है उनकी मौत की वजह मैं हूं, मुझे अकेला छोड़ दे मुझे प्लीज। मारुख अब तुम मेरी जिंदगी मेरे घर का हिस्सा हो, अब तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ यहां रहना है, इसलिए प्लीज बाहर आ जाओ, खुद को संभालो, बाहर आके लोगों को फेस करो। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन कोई कुछ भी कहता रहे तुमने अपने आप पर उनकी बातों का असर नहीं लेना। प्लीज प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। इजाजत है? कलमाए शहादत। आप ही वो कुछ औरतें जा रही हैं, आपसे मिलना चाह रही हैं, आप उनसे मिल लें, तब तक मैं हिजाब के पास बैठ जाती हूँ। अच्छा
था ना वो बच्चे उस नाग को मार दिया, मेरी भारी दादू वो हमें नहीं छोड़ेगी, दादू प्लीज दादू। हिजा क्या हो गया बेटा, कौन? वो मामा के साथ आई है, अब वो यान को लेना चाहती है। नहीं नहीं मामी, हाथों को क्या हुआ? उसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, आप यहाँ आओ मेरे पास। हाँ मामी, दादो कहाँ चली गई? अल्लाह के पास। अल्लाह के पास? अब वो कब वापस आएंगी? जो अल्लाह ताला के पास चला जाता है वो वहीं रहता है, कभी वापस नहीं आता बेटे। दादू